नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका पायनियर हरियाणा में। हमें मालूम चला कि अर्श अस्पताल जो कि फरीदाबाद सेक्टर 78 में एक निजी अस्पताल है, यहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहां पर आए, यहां पर डॉक्टर्स से मिले, यहां पर जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि कोरोना वायरस वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो आखिरकार किस प्रकार से चल रही है। हम अभी जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, तो जो 60 प्लस हैं या 45 प्लस विद एनी डिजीज लाइक हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं, हाइपरटेंशन, थायराइड या उनको शुगर की जो प्रॉब्लम्स है, कार्डिक एक्टिविटी की जिनकी अबनॉर्मल्स हैं, तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ अभी हम डील कर रहे हैं। अभी उन्हीं को लगाई जा रही है वैक्सीन। एक दिन में लगभग कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, एवरेज में पूछ रहा हूं? ऑन एवरेज अबाउट 41 से लेके 46 अराउंड पेशेंट हम एक दिन में आ रहे हैं। और कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं लोगों से ये वैक्सीन लगाने के लिए? यस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स फाइनल किया है 250 पर पर्सन, यही 250 रुपए जो है सरकार ने जो डिसाइड किया हम वही ले रहे हैं पेशेंट से। तो जब लोग आपके पास आते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के लिए, उससे पहले क्या प्रोसीजर है जरा वो हमारे लोगों को समझा दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को आपके हॉस्पिटल में आके, हाँ जी हमने इस तरह से प्रोसीजर किया हुआ है कि कुछ लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है और कुछ ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे पहले उनका पूरा बायोडाटा जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड पूरा उनका लिखा जाता है, उनका नाम, एज, कोई डिजीज है, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद ही हम वैक्सीन लगा रहे हैं। सरकार ने कोविन एप्लीकेशन को निकाला था ताकि जो इस प्रोसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं इसको और आसान किया जा सके, तो क्या उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल यहाँ के लोग और आप भी कर रहे हैं? जो कोविन जो है ऐप है, जो उसमें क्या है कि उसमें सरकार ने सारा प्रोटोकॉल दे रखा है, उसके थ्रू जो भी घर बैठ के भी जो अभी लोग कुछ हैं जिनको भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है घर से निकलने से पहले भी, तो उनको थोड़ा सा उसमें पूरा जानकारी मिल जाएगी, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्या वो कोविन एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं आ रहा है, आया है मेरे पास जिसने ये एप्लीकेशन यूज की है। तो ज्यादातर लोग जो है वो ऑफलाइन ही या फिर जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं उसके थ्रू ही अभी तक जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में बताइए, ये हॉस्पिटल के वेबसाइट से लोग कर रहे हैं या फिर कोई और पोर्टल है जहाँ से ये ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल, हाँ यस, ये हॉस्पिटल की वेबसाइट के थ्रू हो रहा है और इसमें ऑफलाइन में जाके हॉस्पिटल में जाके पूरा अपना डेटा देने के बाद ऑफलाइन हो रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल की वेबसाइट है जिसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो अपनी पेमेंट क्लियर करके। एक और सवाल आपसे ये रहेगा, अभी तक बहुत सारे लोग आए होंगे आपके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के लिए और बहुत सारे लोग लगवा के जा भी चुके हैं, हाँ जी। उसके बाद किसी तरह की कोई कंप्लेन आई है किसी के द्वारा कि हमें कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नजर आया है? हाँ देखिए, ऐसा है कि जब हम वैक्सीन एक बार मरीज को लगा देते हैं तो हम हाफ एन आवर उसको आधा घंटे के लिए हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो विद इन 30 मिनट्स किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एक सिंगल पेशेंट थी जिनको हेडेक की थोड़ी सी समस्या आई थी, वो फिर हमने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री में ये था कि वो उन्होंने खाना नहीं खा रखा था। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी मरीज वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या यहाँ आ रहे हैं या कहीं भी जाएं, तो थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद जाएं और कम्फर्टेबल वियर पहन के जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खाली पेट कोरोना वायरस वैक्सीन के लगाने से? कोई भी वैक्सीन खाली पेट नहीं लगवानी है। भारत में दो तरीके के कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। yes, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अर्श अस्पताल में जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं वो कौन से वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन? हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड लगाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो कोविशील्ड वैक्सीन है जो ये लगाई जा रही है हमारे अस्पताल में और इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं है। ऐसे वैसे दोनों ही वैक्सीन जो हैं, कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों ही बराबर हैं, इनके दोनों के ही एक जैसे इफेक्ट हैं, एक जैसी इनकी परसेंटेज है, हाउ टू रिलीफ, ये सब एक जैसा है और इनमें से किसी भी वैक्सीन को आप लगवा सकते हो, हमारे पास कोविशील्ड है। जैसा कि आप सभी को पता है अर्श हॉस्पिटल आयुष्मान भारत स्कीम के पैनल पर है और आयुष्मान भारत स्कीम के पैनल को होने की वजह से हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन सेंटर भी है और हमने कोविड का भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किया है और हमने जैसे ही 4th मार्च से कोविड वैक्सीन देना शुरू किया है और अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सोसाइटीज़ के, उन सब पर हमने वैक्सीनेशन के बारे में बताया है और सबको इन्फॉर्मेशन दिया है। जो भी हमारे पेशेंट्स हैं रेगुलर आते हैं और 45 से ऊपर हैं उनको भी हमने मैसेज सर्कुलेट किया है
और उसकी वजह से डेली मोर देन 100 कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। और हमने लोगों की सुविधा के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है, और आप वॉकिंग आकर ना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, मतलब आप आ सकते हैं, आने के बाद अपनी जो डिटेल्स हैं वो दे सकते हैं और उसके बाद उसी वक्त आपको वैक्सीनेशन का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो 60 प्लस हैं उनको कुछ नहीं लाना, सिंपल एक आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड लेके आना है, और आर्ट्स हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आ करके अपनी एक बस वो आधार कार्ड के बेसिस पे और मोबाइल नंबर चाहिए होता है वो देना है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। अच्छा सर, तो क्या तुरंत ही जैसे ही अब वॉकिंग जो आपके पास आते हैं क्या तुरंत ही उन्हें वैक्सीन दे दिया जाता है या फिर उन्हें कोई समय दिया जाता है? नहीं नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स हैं बार बार आ नहीं सकते, बहुत परेशानी होती है, तो उनके कंफर्ट के लिए हमने इमिडिएटली हम वैक्सीन देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि वैक्सीनेशन दे दो, रजिस्ट्रेशन हम जो ऑब्जर्वेशन का पीरियड है आधा घंटे का उस पीरियड में हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो जो सिटीजन्स हैं वो जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएं। सर, दो वैक्सीन भारत में यूज़ किए जा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके अस्पताल में कौन से वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से आप इसे ऑब्टेन कर रहे हैं सरकार से, और दूसरी चीज़ कि इन दोनों में से वैक्सीन क्या आपके ऊपर थी कि आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन आप देना चाहते हैं या फिर सरकार की तरफ से ही आपको दिया गया हो कि हाँ आप ये वाली वैक्सीन लगाएं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिटीजन्स के पास कोई चॉइस नहीं है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी है। गवर्नमेंट का मानना है कि दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं और दोनों इंडियन मेड हैं, तो दोनों को ही गवर्नमेंट को यूज करना है। तो कुछ सेंटर्स पर जैसे गवर्नमेंट के PHC ब्लॉक होते हैं, उस ब्लॉक के अंदर जैसे कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं उनको कोवैक्सीन दिया है और कुछ को कोविशील्ड दिया है। गवर्नमेंट ने मोस्टली फरीदाबाद में कोविशील्ड वैक्सीन जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की है, और वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, जितनी भी वैक्सीन चाहें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पास जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने आ रहे हैं उनको कहीं उनके अंदर कोई शंका तो नहीं है, और अगर शंका है तो उसको कैसे दूर किया जा रहा है इस अस्पताल में? अभी कुछ लोगों के मन में शंका है, जैसे कई लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि अपने एज ग्रुप के लोगों को पहले वैक्सीन लगवाएं, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, हम ऑब्जर्व करें फिर हम लगवाएं। तो कुछ लोगों में शंका है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि इवन चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे HIV का पेशेंट हो, चाहे TB का पेशेंट हो, चाहे सांस का मरीज हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस वाला पेशेंट हो, चाहे लिवर का पेशेंट हो, सारे पेशेंट्स एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और गवर्नमेंट की कोशिश है, जो Phase 3 शुरू हुआ है, Phase 1 में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया था, Phase 2 में फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया था, और Phase 3 में जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, जो 60 प्लस या 45 प्लस जिनको बीमारियां हैं, तो उनको कवर करें ताकि मोर्टिलिटी रोकी जाए। क्योंकि कोविड जैसा है, लोग सोचते हैं कि कभी फेज पीक आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी किसी स्टेट में सुनने को आता है कि आज केस बढ़ गए, सर्ज हो गया केसेस का, तो कोविड तो जाने वाला नहीं है। कोविड वायरस जो है वो रहेगा, केसेस कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो मेन गवर्नमेंट का एम है और हम डॉक्टर्स का भी एम है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हाईली ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, उनको वैक्सीन लग जाए ताकि उनको कोरोना कभी ना हो, और हो भी जाए तो उसका बैड इफेक्ट नहीं आए, उनके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी हैं वो उनकी रक्षा करें। जी, ये बताइए, आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी, भगवान। कैसा महसूस कर रहे हैं? नॉर्मल, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? कुछ नहीं, जहाँ वैक्सीन आपको लगाई गई है वहाँ पे किसी तरह की कुछ नथिंग? तो अब ऐसा तो नहीं कि अब बिना मास्क घूमने लगेंगे? नहीं नहीं, मास्क तो पहनेंगे क्योंकि अभी दूसरा जो जरूरी लगवाना है। नहीं नहीं, अभी ख़त्म कहाँ हुआ जी, अभी तो एक साल कम से कम केयर करनी पड़ेगी जी। दूसरा डोज लगवाने भी आएंगे आप? बिल्कुल, डेफिनेट आएंगे। मैम ये बताइए, आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली? लगवा ली। कैसा महसूस कर रही है? ठीक। किसी तरह का कोई शरीर में कुछ नहीं, कुछ साइड इफेक्ट ऐसा कुछ? कोई बदलाव नहीं। कितना समय लगा आपको ये कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने में? अस्पताल में उसके बाद ये मुश्किल से 5 मिनट, 5-10 मिनट। कब लगवाया था आपने वैक्सीन?
ये अभी 5-10 मिनट पहले। अच्छा आज ही लगवाया? हाँ आज ही लगवाया। अभी हमें तो कुछ नहीं हुआ, वैक्सीनेशन लगवा के बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा ना ही कोई प्रॉब्लम, आके भी फटाफट लग गया, इतनी देर नहीं लगी हमें। अच्छा कुल मिला के 8 हॉस्पिटल में ठीक लगा आपको? हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। ठीक है आपका हॉस्पिटल अच्छा था, अरेंजमेंट ठीक है, बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है, सफाई बहुत अच्छी है, सफाई बहुत अच्छी है और आपका स्टाफ बहुत केयरिंग है। जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया है, अर्श अस्पताल में कुल मिलाकर 250 रुपये में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। दो तरीके से आप यहां पर आकर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा सकते हैं, एक या तो आप ऑनलाइन इनके पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर दूसरा वॉक इन, सीधे तौर पर आप यहां पर अस्पताल में आ सकते हैं अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेकर, कोई भी आपकी आईडी लेकर। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं या फिर 45 साल के ऊपर आपकी उम्र है और उसके साथ कुछ बीमारियां आपको हैं तो आप यहां पर आकर कोरोना वायरस की वैक्सीन सिर्फ 250 रुपये में लगा सकते हैं, जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया है। हमने देखा यहां पर लोगों से भी बात की, यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की, तो ये पता चला कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और आसानी से आकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लोगों ने भी बताया कि उन्हें किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हालांकि एक डॉक्टर ने हमें ज़रूर बताया कि किसी एक को थोड़ी सी माइग्रेन की समस्या हुई थी, हेडेक हुई थी उन्हें, लेकिन फिर बाद में वो भी ठीक हो गया। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी के साथ आप अस्पताल में आ सकते हैं और कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ अंकित, पायनियर हरियाणा।